बेसिक प्रोग्रामिंग के अभी एचटीएमएल में हमने कनेक्ट किया है ना ये वाला और ये 45 के एनएमएस कोड में अभी इसको प्रोग्रामिंग करना सबसे पहले हमें इसमें आईसी डालना पड़ेगा जो कि इसके उसमें हो। देखिए अभी अलग आईसी डाल रहा है तो इसमें 192.168.1 इसके सीरीज में डालना है। अभी इसके बाद कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए मैं 200 डाल दिया, ठीक है। ये सफिक्स लाइन से 24 मतलब क्लास 3 आईसी है और इसका गेटवे डाल देते हैं, ये गेटवे, ठीक। ये कितना डालना है हमें लैपटॉप, मैं इसके वीडियो ना मैं तुम्हें दे दूँगा, रिकॉर्ड करना है, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है लैपटॉप में, ठीक है। ये हो गए आईपी एड्रेस अपना डाल दिए, हमने लैपटॉप पर डाल दिया, ये लैपटॉप की आईपी है सेम नेटवर्क में लाने के लिए। ये है ना ये की आई पी है तो पहले हमें इसमें खोल के देखना है। देखिए आ गया 192.168.1.1, ठीक है ये आई पी है और फिर ये हमें अलग से इसका पोर्ट नंबर को डालना पड़ता है 20080, इतना डालेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ कोई भी नया एस टी एम है ना यही रहेगा, इसके बाद चेंज कर सकते हैं। अभी इसका यूजर नेम होता है पेजर और पासवर्ड होता है J72E05T, ये डिफॉल्ट रहता है। कोई भी नया एस टी एम है तो तेजस यूजर नेम और ये पासवर्ड J72E05T, जैसे ही सबमिट करेंगे तो पासवर्ड क्या है ये अभी खुल गया। अभी ये नया एस टी एम कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा, ठीक है। नया होता पुराना होता जैसे एक बार कॉन्फ़िगर कर दिए दोबारा खोलेंगे तो दूसरा खुलेगा, ठीक है ये नया है। अभी सबसे पहले हमें इनिशियलाइज नोड पैरामीटर ये करना कंपलसरी, इसके बाद ही आगे जा सकते हैं। तो इनिशियलाइज करना तो यहाँ नेम डाल सकते हैं, ठीक है मैं बोटाद डाल दिया, ठीक बोटाद का है। अभी इसमें दो आईपी होती हैं, एक राउटर आईपी है ईथरनेट आईपी। ईथरनेट आईपी मैंने बताया ना 192.168.1.254 गेटवे डाला था, वो एसटीएम की आईपी है ईथरनेट, मतलब लोकल मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये आईपी डालने की जरूरत है। और ये रिमोट एक्सेस के लिए राउटर आईपी, रिमोट एक्सेस दूसरे जगह से बैठ के मुझे करना है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ का जो मक्स की आई डी है ना 43 वही रख दिया हमने, तो ये थोड़े से पहचान में हो जाएगा। अभी इस सेक्शन में पूरा ऐसे ही रखा है जो मक्स की आई डी उस नेटवर्क में राउटर आई डी और ये अपने अनुसार कुछ भी रख सकते, लेकिन याद रखना पड़ेगा कभी भी हमें लॉग इन करना है बाद में तो याद करना पड़ेगा। और एस डी एच है और यहाँ पे एस डी एच सोनेट मोड, तो एस डी एच जो है अपने यहाँ यूरोपियन टेक्नोलॉजी, सोनेट जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तो हमें हमेशा एस डी एच में ही रखना है। और यहाँ पे एयू कोड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एयू, मतलब ये यूरोपियन स्टैंडर्ड ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है यूनिवर्सियन, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री में है ना वो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे ही सारे वर्क कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। एस डी एस एयू कोड आई पी जो रखना है ये इतना सब कॉमन हो जाएगा, हाँ ये कॉमन है, ये हमारा नोड इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब इसका जैसे हम आई डी वगैरह मक्स में सेट करते हैं ना मेमोरी, वो ये है आई पी। अभी इसको हमने एक बार सबमिट कर दिया, जैसे सबमिट करेंगे तो ये आ गया एक कंफर्मेशन के लिए एक्सेप्ट वैलिड मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये देखिए नाम आ गया, क्या क्या हमने वो लिया
होगा आ गया जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ठीक है तो ये एसटीएम फिर से चालू हो जाएगा अभी बंद हो जाएगा और फिर कर यानी रिबूट होगा देखिए सिस्टम रिबूट हो गया अभी ये आ गया J72E हैश 05 ये डिफॉल्ट पासवर्ड है ये भी हम लोग चेंज नहीं करते चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने सिक्योरिटी के लिए लेकिन क्या बाद में भूल जाते हैं तो दिक्कत आएगी इसलिए डिफॉल्ट पासवर्ड रहने देते हैं दूसरा कोई तो एक्सेस करेगा नहीं अभी ये आ गया मैंने चेंज कर दिया था ना रिबूट हो गया तो अभी बोटान जो नेम है ये राउटर आईपी है इंटरनेट आईपी है कंटेक्ट नंबर यदि किसी का देना है तो दे सकते हैं ये एसडीएच वगैरह ये फाइनली हम सबमिट कर देंगे ठीक है ये सक्सेसफुली मॉडिफिकेशन हो गया सब कुछ अभी नोड स्लॉट व्यू नोड स्लॉट व्यू में देखेंगे अभी सबसे पहले नोड स्लॉट व्यू में जाएंगे तो ये जितने कार्ड लगे हैं ना उसमें दिखाएगा इसमें टोटल 10 स्लॉट हैं पहले स्लॉट में हमारा सेल 1 कार्ड लगा है जो इथरनेट कार्ड है दूसरे में XA14OTS ये जो क्रॉस कनेक्ट कार्ड है ना जिसमें ऑप्टिकल ये लगा है फाइबर वो कार्ड है तीसरा फिर सेल कार्ड है चौथे में कुछ नहीं लगा है पाँचवें में ये इवन कार्ड लगा है इवन टेबिलिटी छः सात खाली है आठ और नौ में पावर सप्लाई कार्ड लगा है दस में FPU कार्ड लगा ये सब ये सप्लाई नहीं आ रहा है रेड इंडिकेशन ये इसमें कोई वो आ रहा है अलार्म ठीक है अभी इसमें क्लिक करके अलार्म देख सकते हो कि यहाँ पे क्या अलार्म है ये स्विच ऑफ है सप्लाई नहीं है ठीक है नो इनपुट वोल्टेज स्विच ऑफ है क्या लाइट जल रही है देख लेते हैं ये ना तो उसमें इसीलिए इंडिकेशन है तो अभी हमें जो क्रॉस कनेक्ट करना है जो भी प्रोग्रामिंग इस कार्ड में होता है जिसमें फाइबर लगा है ना XAT कार्ड लगी है एग्रीगेट कार्ड ऑप्टिकल कार्ड जो भी बोले ये है इसमें देखें पोर्ट पोर्ट में देखिए चार दिख रहे हैं STM1 के दो पोर्ट STM ये पहला है ना पहला ये मतलब चेसिस नंबर है पहला चेसिस नंबर दूसरे नंबर का स्लॉट में पहला नंबर पोर्ट तो ये STM1 वाला पोर्ट है ये STM1 वाला पोर्ट है ये STM4 वाले पोर्ट है चार पोर्ट है ना चल रहा है वो दिखा रहा था हमें कौन से में लगा है STM1 है पोर्ट नंबर 1 से फाइबर लगा ना तो पोर्ट नंबर 1 को हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ करना बाकी जो है ना वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है ये कुंडली साइड है ना सीधा हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए पोर्ट नंबर 1 कुंडली साइड के लिए ठीक है हमने डाल दिया एडमिन अप कर दिया ये सक्सेसफुली अप हो गया अब हम नोट स्लॉट व्यू में जाके देखेंगे ना तो ये अप दिखाएगा तो देखिए अप दिखा रहा है अब इसी तरह इसको अप करना है दूसरे नंबर का पोर्ट को उसको अप किया ना तो उसमें लाइट आने लगी होगी देखो एक नंबर ट्रांस में आने लगे होंगे दूसरे नंबर पे नहीं आ रहा है
पे दूसरे नंबर पे है ना, यहाँ से मैं आप कर दे रहा हूँ दूसरे नंबर को भी। तो ये इधर कौन सा साइड है, तो इसको भी मैं आप कर देता हूँ दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर को कब किया ना, उसमें भी लाइट आ रही है। तो ये अप हो गए, अभी जाके देख सकते हैं ये दोनों पोर्ट अप हो गए। देखिए HDMI के दोनों पोर्ट अप हो गए, ठीक है। HDMI पोर्ट को अप करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको यूज नहीं कर रहा है ना। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्रॉस कनेक्ट, क्रॉस कनेक्ट मतलब चैनल बनाने का, ठीक है। तो हमें चैनल बनाने का है, तो एड क्रॉस कनेक्ट करेंगे। एड क्रॉस कनेक्ट करने के बाद हमें मान लीजिए एक चैनल बना, नंबर ऑफ कनेक्शन एक पाँच चार पाँच बनाना है, तो यहाँ डाल सकते हैं। हमें एक एक करके बनाना, कैपेसिटी मतलब कौन सी चाहिए, हमें E1 चाहिए, E1 बनाना है ना, बोटा से कुंडली E1 चाहिए। तो E1 होता है VC12, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में VC12 बोलते हैं। VC11 T1 होता है, VC12 E1 होता है। T1 मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड की हो जो, क्योंकि ये सभी के लिए बना। तो VC12 E1 है, VC4 जो है वो STM1 का पोर्ट हो जाता है। VC12 चाहिए मतलब E1 चाहिए। आइडेंटिफायर मान लीजिए मक्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हमारे सीधे मक्स इधर के लिए कुंडली के लिए, ठीक है। ये हो गया मोड रेगुलर डायरेक्शन, टू वे होना चाहिए। वन वे तो हमें नहीं चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन तो टू वे कम्युनिकेशन। अभी कौन से पोर्ट में STM1 का पोर्ट लेना है, देखिए ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स कहाँ लेना है, डेस्टिनेशन कहाँ लेना है, तो हमें STM1 का पोर्ट, क्योंकि कुंडली साइड बना रहे हैं, कुंडली साइड STM पहला नंबर का पोर्ट। ये देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, चार पोर्ट है ना STM के, पहले नंबर पोर्ट लेना है, ठीक है। अभी उसमें KLM लेना पड़ेगा, जो इसका चैनल ID होते हैं ना, KLM से डिफाइन होता है ये। तो KLM 111 ले लिया, मतलब पहला नंबर का टाइम। KLM का मतलब क्या होता है, ये इसका टाइम स्लॉट होता है। अच्छा, मिला के हम कह सकते हैं K की वैल्यू 1-3 तक होती है, L की वैल्यू 1-7 तक, और M की वैल्यू 1-3 तक। देखो इसमें कितने, 3, इसमें 7, इसमें 3, तो इसमें 3 हुआ, इसमें 7, 7 × 3 कितना हो गया, 21, और 21 × 3 टोटल 63। वही है 63 टाइम स्लॉट है, कुल मिला के कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि STM1 की कितनी कैपेसिटी, 63 E1 की है। तो यही ये डिफरेंस करते हैं, मतलब चेंज कर सकते हो 63 का। ये सोर्स हो गया। अभी डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन क्या लेना है, ये सोर्स हो गया मतलब वहाँ पे आ रहा है। अभी डेस्टिनेशन मतलब हमें ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करना है तो कहाँ पे ड्रॉप करना है, तो ये देखो E1 कहाँ से, E1 से लेके 63 तक, है ना। अभी देखो E1 मतलब चेसिस नंबर 5, मतलब पांचवें नंबर के स्लॉट पे लगा, देख सकते हो कार्ड जब पांचवें नंबर पे स्लॉट लगा। चार ये हैं, 1-2-3-4, पांचवें नंबर पे, इसलिए ये 5 दिखा रहा है। E1 पहले नंबर चेसिस, पांचवें नंबर स्लॉट पे, फिर ये नंबरिंग E1 का लास्ट वाला है ना, तो ऐसा इसमें दिखाता है। तो मान लो हम पहले नंबर के ले लिए, पहला नंबर E1 को हम कुंडली साइड मक्स में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये E1 ले लिए तो अब ये KLM सेलेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल पोर्ट है, ये टाइम स्लॉट है, वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। E1 ले लिए, अभी इसको प्रोटेक्शन में डालना है, तो प्रोटेक्शन के लिए भी है, देखिए प्रोटेक्शन, सोर्स प्रोटेक्शन, डेस्टिनेशन प्रोटेक्शन, चैनल प्रोटेक्शन, इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन हम कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, इसको डिसेबल रखते हैं। कितना ही करना है आपको, कैपेसिटी VC12 मतलब E1 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ आइडेंटिफायर डालना है कि देखने में पता चल जाए, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स हम ऑप्टिकल पोर्ट ले लेते हैं, डेस्टिनेशन हम जिस चैनल है वो ले लेते हैं। इसको सबमिट करिए,
तो ये एक बात फिर से दिखा दी है आपको समरी यही है देखो टाइम स्लॉट 111 वही बोल रहा था ना ठीक है ये वन नंबर है जैसे यस करेंगे ना सक्सेसफुली कनेक्टेड अभी भी करके देख सकते हैं ये देख पीडी मास कुंडली साइड है उसकी कैपेसिटी डी सी वन टू मतलब ई वन ट्रैफिक अभी नहीं फ्लो हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा सोर्स ट्रैफिक डाउन है अभी वो क्या है ट्रैफिक उसमें फ्लो नहीं हो रहा ठीक है ये आपका सोर्स से वन के रंग जो लिए ठीक है ई वन जो वन नंबर का ई वन ड्रॉप किए अभी और बनाना है और क्रॉस कनेक्शन में जाइए एयर क्रॉस कनेक्शन ठीक है डी सी वन टू ठीक है अभी स्पेयर एक और बना देते हैं स्पेयर में ठीक है कि मान लो कभी उसमें प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे में लगा ये रेगुलर हुए हाँ दूसरा नंबर मतलब एक स्पेयर में बना दिए एक तो वर्किंग रहेगा एक स्पेयर रहेगा कभी जरूरत पड़े तो अभी ये पोर्ट देखो एस के वन का ही पोर्ट के एल एन देखो अभी 111 नहीं सेलेक्ट होगा ये 111 सेलेक्ट करके करेंगे ना तो नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी देखना ये देखो आ गया ना वन पहला नंबर के वन ऑलरेडी वो सिलेक्ट हाँ तो अभी देखिए बी सी वन टू बी सी वन टू ले लिए स्पेयर है ना ये रेगुलर टूटे हैं ये एटीएम वन का पोर्ट 111 112 के एल एम ले लिए मतलब दूसरे नंबर पे के एल एम के एल एम और पोर्ट में यहाँ पे हम दूसरा नंबर पी वन ले लेते हैं ठीक है ये दूसरा नंबर के एल एम है अभी हमें सबमिट करना है यस करिए देख सक्सेसफुली है अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से देखेंगे तो देखिए एक ये बन गया एक ये भी बन गया कुंडली साइड ही बन गया स्पेयर में मान लीजिए पहला नंबर खराब हुआ है आपको दूसरा नंबर से ये बाजू वाला है वहां भी लगा सकते हैं ना हां इजीली बन गया नहीं नहीं ये ब्लॉक का इवन का है ये जाएगी लाडजर से तो बनाएगा है ना फिर दूसरा हमने एटीएम बनाया करते ये क्या है कि ये सोनी के अभी अपना स्पेयर बनाएंगे और प्रोन अपना इवन अभी देखो ये इवन है ना इवन ये एक नंबर का अभी ये लेके मक्स में दे दे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो जाएगा ये अभी सेकंड में स्पेयर बना दूंगा मान लीजिए पहला नंबर को फोन कर दूंगा आपको इसमें चेंज करना समझ गया ये तो अपने को प्रोन ही करना है हाँ प्रोन चेंज करना ठीक है तो एक और दो नंबर साइड हो गया अभी चेंज करना और बनाना है मान लीजिए लाठी दर साइड भी बना ठीक है तो मैं यहाँ पे पी डी मक्स साइड ओके स्पेयर नहीं स्पेयर भी तो बनाए नहीं ये है ना अभी ये खेल है ना मैं अभी देखो ये एसडीएम का पोर्ट मुझे ये लेना पड़ेगा दूसरा नंबर वन तो इधर जा रहा है यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हमें लाठीदार साइड बनाना है तो ये एसडीएम का पोर्ट लेना पड़ेगा यानी दूसरा नंबर का पोर्ट कहाँ जाएगा लाठीदार साइड हाँ और यहाँ से अभी यहाँ मान लीजिए अभी कहाँ डेस्टिनेशन वन और टू तो यूज हो गए आपका ही वन बस तीन नंबर ले लिया ठीक है हाँ ये मैंने सबमिट कर दिया सक्सेसफुल हो गया आप देख सकते हैं ये देखिए तीन नंबर बन गया लाठीदार साइड और कौन से नंबर में तीन नंबर पे आपका ई वन बन गया ठीक है ऐसे मैं चाहूँ तो इसके लिए स्पेयर बना दिया लाठी दर साइड भी स्पेयर बना देता
अभी इसका कोड नंबर ये रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर कोड जा रहा है, वन तो ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए वो रिमाइंडर करवा देगा। हाँ, जो खाली रहेगा वही आएगा। अब आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है इसको, लेकिन यदि चेंज करने के बाद वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो मैसेज दे देगा क्योंकि ये यूज कर चुके हैं। अभी चार बन गए, दो इधर साइड कुंडली साइड, दो लाठी इधर साइड हो गया। ये गलत हो गया, देखिए इसका मैं डेस्टिनेशन है ना, गलत चूज कर दिया। क्या हो गया सर? नंबर टू एस टी एम का 112KLM और डेस्टिनेशन E1 का 84 नंबर है ना। हाँ देखिए ये 84 नंबर ही बन गया। ऑप्शन कुंडली साइड 3 नंबर का और 4 नंबर का ही बन, ठीक है। और इधर सॉरी कुंडली साइड 1 और 2, बाकी दर साइड 4 बना दिए। एक नंबर इधर देना है, 3 नंबर इधर देना है। अभी सर अभी ये प्रोग्रामिंग हो गया, ऐसे और बनाना तो और बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं DCN, ये DCN लिखा है, ठीक है। DCN में क्या नेटवर्क इंटरफेस प्रोविजन ऑफ ECC, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ECC जाएंगे तो इसमें 4 पोर्ट हैं जो STM के। पहला ये कुंडली साइड का है, इसको हम DCC आ दिए। ECC क्या होता है? ECC ये होता है रिमोट लॉगिन करने के लिए, बराबर। इसको इनेबल करके रखेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज हम अब दूसरी जगह से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये इनेबल करके रखेंगे, ये इनेबल हो गया पोर्ट नंबर 1। तो 1 साइड से हम इसको वो कर सकते हैं। इसीलिए अभी पोर्ट नंबर 2 को भी ऐसे इनेबल करना है, ये डिसेबल था ना, DCR में जाके इनेबल कर देंगे। ये हो गया, तो अभी इससे क्या होगा, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पोर्ट में दोनों पे हो गया, इससे हम दूर से हम वो कर सकेंगे लॉगिन, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी मान लीजिए आपको कुछ टेस्टिंग वगैरह चाहिए तो मेंटेनेंस एक्टिविटी में, ठीक है, मेंटेनेंस करना है आपको यहाँ से, तो इसमें सब कुछ मिल जाएंगे। लूप देना है, क्या करना है, ये सब लूप वगैरह सब है। इंटरनेट में लूप देना है, STM में लूप देना है, उसके E1 में लूप देना है, कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करना है, डायग्नोसिस में आएंगे, ये सब चीज़ें आपको जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना उस समय के लिए ये सब फंक्शन है। अभी 64 KBPS का चैनल बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें इसकी जो कैपेसिटी है मिनिमम 2 MB, ठीक है। अभी 2 MB से नीचे नहीं जा सकते, इसके लिए 64 के लिए मास्क लगा। तो STM को प्रोग्रामिंग पूरा हुआ, सबसे पहले नोड इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ जाके ये नोड इनिशियलाइज कर दिए, इसमें IP वगैरह डाल दिए। फिर दूसरा नोड स्लॉट ग्रिड में जाके जो XAT कार्ड है ना जिसमें फाइबर लगा है, उसमें जाके इसका पोर्ट अप कर दिए। 4 पोर्ट है, पहला दूसरा नंबर पोर्ट अप कर दिए, अप कर दिए। तो ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैंने अप कर दिया, लेकिन ऑपरेशनल स्टेटस अभी क्या होगा, डाउन। जब तक कुंडली का अप नहीं होगा तब तक ये डाउन रहेगा, कुंडली के जब अप हो जाएगा तभी ये अप होगा, ठीक है। इसके बाद हमें
कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में क्रॉस कनेक्ट, क्रॉस कनेक्ट, ठीक है। क्रॉस कनेक्ट में नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कितने बने हैं, ठीक। और आपको बनाना है नया तो 8 क्रॉस कनेक्ट करना, अभी यहाँ से बना देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका, और पहली बार कर रहे हैं तो DCL वो कर दीजिए, जो DCL है ना इसको ही इनेबल कर दीजिए, नेटवर्क इंटरफेस में जाके ये देखिए DCL STM1 और STM मतलब पोर्ट नंबर 1 और 2 है, दोनों में मैंने इनेबल कर दिया है, ठीक है। इनेबल कर दिया मतलब मैं भावनगर साइट से भी मैं इसमें लॉग इन कर सकता हूँ और श्रीनगर साइट से भी, यदि पोर्ट नंबर 1 में करता तो सिर्फ श्रीनगर साइट से ही मैं लॉग इन कर सकता हूँ, दोनों साइट से कर दिया मतलब दोनों साइट से भी मैं अब इसको कर सकता हूँ, बस इतना। ये पहले टाइम का इसमें DCL और जो नोड कॉन्फ़िगरेशन है ये एक बार के लिए है, बाद में सिर्फ आपको क्रॉस कनेक्ट ही देखना है ना, क्रॉस कनेक्ट जितना बनाना है, डिलीट करना, बनाना है, जो भी करना है हम यहाँ पे करेंगे। सर इसमें इंटरनेट पोर्ट कौन सा होता है, ये ऊपर वाला है ना, P1 P2 P3 वही है, वही इंटरनेट पोर्ट है ये क्या, अभी आप बनाते हैं नीचे वाला चार है ना, नीचे भी चार है, नीचे वाला है।